Hello children, so today we will talk about the life cycle of Plasmodium. In the previous video, I talked about the malaria, right? And its cause, how it can be cured and what are the precautions. So today we will discuss in detail about the Plasmodium and its life cycle. Plasmodium ka jo life cycle hai, uske liye two host ki zarurat hai. Two host kaun kaun se honge? Ek to vector hoga aur ek main organism hoga in which the disease is being caused. वेक्टर यहाँ पर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है और हमारा जो मेन टारगेट है वो है ह्यूमन बीइंग. सो इट इन्वॉल्व्स टू होस्ट, ह्यूमन बीइंग एंड मॉस्किटो. अब यहाँ पर जब प्लास्मोडियम ग्रो करता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज होता है. जैसे अगर मैं बात करूं हम ह्यूमन बीइंग्स की, तो पहले एक छोटा इन्फेंट है, फिर वो टॉडलर है, फिर वो टीनेजर है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स आ रही है, राइट? बट यहां पर फॉर्म्स का मतलब क्या है, एंटायर स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा, ठीक है? तो तीन स्टेजेस होती हैं, तीन चीजें होती हैं यहाँ पर. सबसे पहले इन्फेक्शन होता है ह्यूमंस का विद स्पोरोजोइड, फिर वो स्पोरोजोइड्स जो होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और उसके बाद होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो जो पहले दो स्टेजेस हैं, मतलब इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन विद स्पोरोजोइड और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दोनों कहां पर हो रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स पे हो रहे हैं. और जो तीसरा पार्ट है, आप याद रखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो कहां पर स्टार्ट तो हो रहा है ह्यूमन बीइंग में, लेकिन एंड कहां पर होगा? वो मॉस्किटो के अंदर, ठीक है? अब हम डिफरेंट फॉर्म्स एक थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, ताकि जब मैं आगे इन वर्ड्स को यूज करूंगी तो आपको ये ना लगे कि यू हैव नो आइडिया, ठीक है? तो डिफरेंट फॉर्म्स कौन सी है, जैसे स्पोरोजोइट है एक फॉर्म, एक फॉर्म है मीरोजोइड, फिर रिंग फॉर्म आती है ट्रोफोजोइड, शाइजोंट, गैमेटोसाइट, उकाइनीट, ऊसिस्ट, ठीक है? ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है. अभी मैं इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं एक एक करके. अब यहां पर आप देखिए, यहां पर जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, यहां पर मॉस्किटो जो है वो बाइट कर रहे हैं, वो ह्यूमन बींग को बाइट कर रहे हैं, ठीक है? तो जब वो बाइट करता है तो जो मॉस्किटो का सलाइवा होता है, सलाइवा के अंदर प्लास्मोडियम है, ठीक है? लेकिन प्लास्मोडियम की कौन सी फॉर्म है? स्पोरोजोइड फॉर्म, ठीक है? तो याद रखिए, ऐसे याद रखते हैं, एस फॉर स्पोरोजोइड एंड एस फॉर सलाइवा, ठीक है? तो सलाइवा में मॉस्किटो के सलाइवा में क्या है? स्पोरोजोइड्स है. अब स्पोरोजोइड्स जैसे ही अंदर एंटर हुए बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, तो वो विद इन 30 to 60 मिनट, मतलब मॉस्किटो के बाइट करने के आधे से एक घंटे के बाद ही वो सारे के सारे स्पोरोजोइड्स कहां जाना शुरू कर देते हैं? लिवर में जाना शुरू कर देते हैं. ये आपको लिवर दिख रहा है. अब लिवर के सेल्स को हम हिपेटोसाइट्स कहते हैं, ठीक है? तो अब ये स्पोरोजोइड्स कहां जा रहे हैं? हिपेटोसाइट्स में जा रहे हैं. अब हिपेटोसाइट्स में जाकर के देखिए, और डिटेल में आपको मैं दिखाती हूँ ये पूरा स्ट्रक्चर. यहां पर ये अपनी फॉर्म बदलेगा, अब अपनी फॉर्म चेंज करेगा, यहां से लाइफ साइकिल अब स्टार्ट हो रहा है बेसिकली. तो लिवर सेल में जाकर के स्पोरोजोइड अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है और वो बना रहा है मीरोजोइड, ठीक है? तो हिपेटोसाइट, जब एक हिपेटोसाइट मीरोजोइड से फिल्ड अप हो जाता है, ठीक है, तो वो मीरोजोइड, वो जो पूरा का पूरा हिपेटोसाइट है वो बर्स्ट करता है. उस पूरे एक बंच ऑफ मीरोजोइड्स को हम क्या नाम देते हैं? शाइजोंट नाम देते हैं, ठीक है? जो पूरा वो ग्रुप ऑफ मीरोजोइड्स है उसको हम क्या नाम दे देते हैं? शाइजोंट के अंदर जब पूरे के पूरे मीरोजोइड्स फिल्ड अप हो जाएंगे तो वो शाइजोंट बर्स्ट करेगा. जब शाइजोंट बर्स्ट करेगा तो मीरोजोइड्स निकलेंगे, और वो मीरोजोइड्स किसको अटैक करेंगे? अब आरबीसी को अटैक करेंगे. अब आरबीसी में स्टार्ट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हमारा दूसरा फेज था. एसेक्सुअली अब वो फटाफट बहुत तेजी से अपनी फॉर्म्स चेंज करेगा. पहले वो रिंग फॉर्म बनाएगा, ठीक है? फिर वो ट्रोफोजोइड फॉर्म बनाएगा. उसके बाद अब क्या होगा? मीरोजोइड्स हैं, ठीक है, ये अब फिर से शाइजोंट बनाएंगे. अब एक आरबीसी के अंदर जब कम से कम 16 डॉटर मीरोजोइड्स बन जाते हैं तो आरबीसी बर्स्ट करता है, और जैसे ही वो आरबीसी बर्स्ट करता है तो पर्सन को फीवर का रिलैप्स होता है, ठीक है? तो मलेरिया में जो ये बार बार फीवर रहकर होता है वो क्यों होता है? क्योंकि आरबीसी बर्स्ट कर रहा है, और आरबीसी बर्स्ट करने से मीरोजोइड्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है? तो वो मीरोजोइड्स जो है पर्सन को अटैक कर रहे हैं. अब यहां पर कुछ मीरोजोइड्स तो ऐसे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, लेकिन कुछ मीरोजोइड्स जो होते हैं वो अपना चेंज कर देते हैं, पाथवे चेंज कर देते हैं. अब जब वो पाथवे को चेंज करते हैं, ठीक है,
वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चले जाते हैं. नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाने पर, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तो आपको पता है मेल और फीमेल गैमेट की जरूरत होती है, ठीक है. तो यहां पर वो मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स बनाते हैं, ठीक है. यहां पर देखो, अब आप देख रहे हो मेल और फीमेल गैमेट का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, लेकिन ये स्टार्ट कहां पर हुआ है? ह्यूमन बींग के अंदर स्टार्ट हुआ है, बट अब ये खत्म नहीं होगा यहां पर. यहां ये खत्म कहां पर होगा? मॉस्किटो के अंदर जाकर के खत्म होगा. तो अब ये मेल और फीमेल गैमेट इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड में घूम रहे हैं, ठीक है. जब फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है तो वो क्या इंजेस्ट करता है? मेल और फीमेल गैमेट्स को इंजेस्ट करता है. तो अब उसके ब्लड में क्या चला गया? मेल और फीमेल गैमेट्स चले गए. तो यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो बचा हुआ पार्ट है वो कंप्लीट होगा. तो मॉस्किटो के अंदर मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं, और फ्यूज करने के बाद मेल और फीमेल उकाइनेट एक फॉर्म बनाते हैं, फ्यूज फॉर्म होती है, उकाइनेट कहते हैं जिसको. उकाइनेट जो होते हैं वो मॉस्किटो के मिड गट को पेनिट्रेट करते हैं, ठीक है. और पेनिट्रेट करने के बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो हम उसको एक नया नाम देते हैं, ऊसिस्ट. समझ रहे हैं? ऊसिस्ट. तो अब ऊसिस्ट जो होगा वो धीरे धीरे कहां पर आएगा? ऊपर आएगा, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड तक आएगा. और जब वो सलाइवरी ग्लैंड में एंटर कर जाएगा, सलाइवा में मिक्स होगा, अब हम उस ऊसिस्ट को क्या नाम दे देते हैं? स्पोरोजोइट. तो अल्टीमेटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब एंड हुआ, ठीक है, तो एंड होने के बाद कौन सी स्टेज आ गई हमारी? स्पोरोजोइट स्टेज आ गई. अब ये जो आपका ये मॉस्किटो है, जब ये किसी नॉर्मल पर्सन को इन्फेक्ट करेगा तो उसके सलाइवा में क्या है? स्पोरोजोइट है. फिर से वो यहां पर उसको इंजेक्ट करेगा स्पोरोजोइट को, और फिर से ये पूरा का पूरा लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगा. तो इस तरीके से प्लास्मोडियम अपने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज होकर दो होस्ट के थ्रू ग्रो करता है और लोगों को इन्फेक्ट करता है. तो यहां पर अब हम इस तरीके से इस लाइफ साइकिल को समझते हैं. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि अब क्या तरीका है, हाउ डज द वैक्सीन, जो इसका मेडिसिन है क्विनीन, जो मेडिसिन है विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिंकोना बार्क, वो कैसे काम करती है, ठीक है, वो किस स्टेज पे काम करती है और किस चीज को रोकती है जिससे कि मलेरिया यू नो क्योर होता है. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेरी वेल. ओके, सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय एवरीवन.